ब्राह्मण तो पांच चार जमा जोड़वा थे एक मिल गया तो घनी की फोन थे मार घर भोजन करना जगो थार स्नान करियो सूर्य भगवान ने जल दल सडायो अजी है अगस्त में बोले पानी ढोलते महीनो यो मरा मरता पानी आ पासो आ रे ढोलदा हाल हा गई आला मां एक ने तो मान्यो बोले नहीं आ गई हाल पाजार उतर दे वा मां अगस्त ने ढोल लाया शंकर भगवान ने के लागे मां पार्वती लार ऋषि अगस्त शंकर भगवान मान के भड़को ब्राह्मण मिल गयो इन लाई उंचार तो पण वा रसोई तो ढंग बना ले मार्केट खोलो यहां पर बेड़ा को मार मां खर्चा वे गंजी मांगे और आव रसोई ढंग बनाई गयो मां मन में विचार को भी एक ब्राह्मण तो 10 ब्राह्मण दी और कितो जीव जीवन ढी गया शंकर भगवान को बे ऑर्डर दे बोले एक बरात रो बत बना इन ठा को ने कितो जीव भोजन बना दियो माँ पार्वती भोजन करने बैठा अगस्त मन तीन ही कौवा हाथ दिया चौथे जरूरत भंडार हुई थी मुंडम जुड़ गयो यहाँ कुतर मशीन में पोलो जा नहीं भंडारो जा माँ पार्वती देखती रे हाँ माँ मन में विचार दियो काम गलत कर दियो भोलियो भेड़ को ब्राह्मण धापे को निश्राप दे फर्क हो करा कर अब माँ है तो विष्णु भगवान ने याद किया विष्णु भगवान आए के माँ कहीं बात है पार्वती जी के महाराज कहीं बात है साढ़े 300 करोड़ भरत गया ब्राह्मण को पांच हजार जेमा मन रहे हो एक ही बुला दे और दाबे को श्राप दे और माँ के भोलियो बड़े भेड़ो को विष्णु भगवान का कोई बड़ो पकड़ काम है कि ना रहे अब बोले तो बड़ा तेलो करना पकड़ डोर विष्णु भगवान कह के महाराज मान के हूँ थारी मदद करो मैं तो है उपाय का ही विष्णु भगवान शंकर भगवान ने छूटे चाव देखो कर दे सके तारे शंकर करना तो विष्णु भगवान रो काम है किसी पॉइंट हो जाए वो विष्णु भगवान रो काम है बोलिए तो कोई दोष कौन जाए कि चाव दे सके हाँ विष्णु भगवान कह रही है मां हूँ थारी मदद करूँ अब अगस्त मुनि रो नियम के बराबर बैठ चलू पहला कर अगस्त मुनि चलू करना पड़े अगस्त मुनि रो नियम विष्णु भगवान मान के यहाँ करो पांचरे को प्रसाद धागे पानी लोटो लियो धापे कहीं को नहीं थड़ी छोड़ दे अब विष्णु भगवान है जो को पांचरे को अब भगवान तो भावरा ही भोगा पांचरे को प्रसाद ले हाथ धोया और वो भंडारो बंद बनाना टूटे ही पद वो जरूर यो और अगर सामने विष्णु भगवान रे सामने देखे वो तंठा हो रहा हूं तो दिनो विष्णु भगवान के महाराज मन गए थे कि तो दिनो ने तो थाने ने तो माने का तो तनिया खानिया कह देना चीज में तू मार कंद ना बैठ बोले तो टूट गया भंडारो बोले बोले कौन नहीं हाँ और का था ना इस सारो कर देना चीज भाई मैं पहला हाथ ना तो था महाराज की कौन मन मारे हर दाई मैं मारो प्रसाद पाई लू थाने थेदार पाऊ और भंडारो टूट गया पावे बढ़ गए अगर समझे मान की पानी लौट ले रहा विष्णु भगवान ईश्वर मान ईश्वर ने मान कियो कि पानी ना दे दिया संद्रा तेन चलू करे भाई ने पानी ना कर तो आ जोड़ के तो भाग भोजन करने ने तो हम हाथ माता का पानी जोड़ दे मां पार्वती जगत से रगस मेरे सामने हाथ जोड़ के देखो महाराज मार भोजन करने ने तो मां तो आता और पानी पीता तो बोल बण बैठ गए भड़का राम दो हूं केड़ा व्रत करूं को दान कुलो गए हमने कहा लारो झूठे हो विष्णु भगवान अगस्त मुनि के सामने खड़ा हो गया बोले महाराज अबार तो भाई पानी पावा गए दुआ पर मैं भरो उतारू ही और हूं थाना पानी पियू पानी पाऊ थे पानी पिया धा पर ए वचन छूट गया सज्जू अब गिनती थी दी गए एक दो तीन चार सज्जू पान दो पर आवे गिनती रे साहब दो ही आवे अब सज्जू को पूर्ण होने लगी हो टाइम गौतम ऋषि ए लंग श्राप दे दे को था पाषाण और पड़ जाई और अहिल्या रोदन करने लाग गए महाराज इंद्र आप है जो कपड़ा आप रूप धारण कर दियो मनी बात उठा पड़ी कौन और महाराज पाषाण मन बढ़ना पड़ी बोले कि मारो उतार का गौतम ऋषि अहिल्या ने करने गया अहिल्या त्रेतक में भगवान राम जी अवतार चरण रद लाग ही जन पास बुद्धि में स्वरूप हो जी और अहिल्या गौतम ऋषि के रोदन करने लाग गए महाराज त्रेतक बहुत दूर है भाई आगे दो पर युग नीचे पड़ियो है
तो मन दो युग उतना पड़ी एक दुआ पर पूरो और एक त्रेता अंतर में अवतार हुई। हाय महाराज शराब भेजो के कम करो। पाछो गौतम ऋषि रे घट में दया रो भाव आ गयो। गौतम ऋषि ए जन कण लगे ए जा पासान नो तन बणनो पड़ी पण एक काम हो कर सकू। ए जे को महाराज होए जे दे करत गौतम ऋषि युग चेंज कर दियो त्रेता ने बेचे दे दियो दुआ पर ने तीसरे में गाल दिए गौतम ऋषि का कहे। अब दो त्रेता आई क्यों बाहर जो ठिकाना त्रेता बाहर दियो अब बाहर जो कोई बाहर दियो त्रेता युग में राम सेतु बंद है। हनुमान जी महाराज गोवर्धन पर्वत ने हिमालय के हाथ में भेजो। राम सेतु बांधता एक खरब बांधर लग गया और पांच दिन लग गया। पहले दिन मान दियो सब दे जोजन दूसरे दिन मान दियो बीस जोजन तीसरे दिन मान दियो इक्कीस जोजन चौथे दिन मान दियो बाईस जोजन और पांचवे दिन मान दियो तेईस जोजन सब दे बीस चौतीस चौतीस इक्कीस चौतीस इक्कीस पिचपन पिचपन भाई सत्यतर सत्यतर तेईस सौ एक जोजन में चार कोस रो और चार से कोस रो समझ और दस जोजन चौड़ो यानी चालीस कोस चौड़ो। राम सेतु चालीस कोस चौड़ो है चार सौ कोस लंबो एक खरब बांध लग गया पांच दिन बांध बंद लग गया। हनुमान जी महाराज गोवर्धन पर्वत ने हिमालय के महात्मा गए जो पहला पाड़ा टपा और गोवर्धन पर्वत ने क्यों आज भगवान ने चरण मोक्ष हुए हाल ही गोवर्धन पर्वत जो हनुमान नहीं है तो बल थार मारे वचन है। अब हनुमान जी महाराज हाथ में गाय दियो वृंदावन का नाम था भगवान राम जी आवाज लगा दी जगह कभी कहने पहाड़ है वहां पर काम है पूर्ण हो चुकी है गोवर्धन पर्वत ब्राह्मण रूप धारण कर खड़ो हनुमान जी महाराज गई ने मजा दगे कहां तुमसे क्या उनसे तो राम से ले गया। हनुमान जी महाराज बोले भाई एक्स्ट्रा तन ले जा काई करा के तू छोटो है ना क्या इक्कीस किलोमीटर पर मैं भाई रे बाहर कर बोली तेन मोड़े डबे ने बटकाई करा गए पर वो भगवान ने पूछ रहा हूं और थारो कहो सही है। हनुमान जी महाराज भगवान राम जी कहने गया भगवान ने क्यों मरा थारो तो कांड कुल पूरो गयो और मारी बात पीछे रह गई। बोले काई बोले गौर ने परम को ब्राह्मण रूप धारण कर खड़ो गयो के कहां तुम सही क्या उनसे राम से ले गया। हनुमान जी महाराज भगवान राम जी हनुमान जी गोवर्धन पर्वत कह दी अबारो पर समय पूरा हो गयो है और दुआ पर मैं मारो अवतार हुई जरा मारा हाथ भारी मोक्ष हो जाए। हनुमान जी महाराज गोवर्धन पर्वत ने बात कही गोवर्धन पर्वत हनुमान अब पहुंचा अब भगवान रो अवतार आ गयो दुआ पर मैं भगवान कृष्ण रो अवतार आ गयो। भगवान कृष्ण की आठ साल री अवस्था और नाना बाबू भोरे भरद्र में घी कटो करे है और इंद्र की पूजा करे है और कृष्ण भगवान नाना बाबा ने पूछो पिताजी गेहूं का करो। बोले बेटा इंद्र ही पूजा करा इंद्र प्रसाद करी मारे गाय ने चारो यहाँ पर अनाज हुई। भगवान नंद बाबा ने कहा इंद्र ने थाकड़ी देखियो भाई नंद बाबू का बेटा देखियो तो बोले भगवान बोले नहीं देखियो जगन थे घी हो जगो था हम पग देवे जगन थे प्रसाद को चढ़ो। नंद बाबू कहे कौन देवे बेटा भगवान बोले गोवर्धन पर्वत देवे गाय रे यहाँ पानी मा चरे दानी रे मा लगे पानी में दान लगा वो घना और बरसी जा तेरी पूजा करोगे बिंदु पढ़नी पड़ी बिंदु देखी कौन पानी पड़ा पूजा है। नंदा बाबू क्यों बेटा घी कटो कर दियो कहीं करा भगवान मेरे छप्पन भोग बनाऊ जगह दिन चलिया छप्पन भोग अब भोग बीच में हो गया चौपन हो गया छप्पन क्या गिरिया चौबीस घंटा में आठ पैर वे भगवान ने आठ बार भोग लगे चौबीस घंटा में सात दिन भोग भेड़ो आठो साता छप्पन समझ आगे मेरा भाई आज आप बाबे रे भोग लगाओ आग दे पारो ही भर लगा लो एक एक पैर में भगवान ने भोग लग दिया छप्पन भोग 21 किलोमीटर परिक्रमा दई नारद जी महाराज हटाया और भगवान कृष्ण नारद जी महाराज ने बहुत छप्पन भोग रो प्रसाद दियो है और नारद जी महाराज सीधा इंद्र कने गया क्या नारद जी तई काम आवे नारद जी महाराज इंद्र ने बेजो प्रसाद दे छप्पन भोग रो इंद्र भगवान के महाराज वो बैठो लाया। बोले नंद बाबे रे घरे कृष्ण नाम रो टाबरी थारी पूजा छोदा दी गोंद री पूजा चालू करा दी भी पूजा रो है वो तो बोले इंतजार कर ना बोले मैं हां आ बात बोले ओ ले नी प्रसाद बात थार काय करनो है। अब इंद्र भरद्र में तो कोप कियो इन नाल जी महाराज पासे भरद्र लोगा ने कियो बोले थे इंद्र ही पूजा तो छोड़ी बड़ा काली घटाऊ मड़ी थानो मारी वज्रा लोग कृष्ण भगवान रे शरणम पड़े बोले महाराज थे मारो काम गड़बड़ करा दी मारो काम ठीक चले हो भगवान के तेरे क्या होत करो ज्यादा थानो परसी ताबा कौन को सतो ताण ला नीचे बढ़ गया। अब इंद्र आप रो काम चालू कर दियो भगवान कृष्ण को चितले में धारण कर दियो रक्षण ने कियो महाराज हम थारो धा पर पानी पी लो। अब आकाश में पहाड़ माड़ बे दिस चलू मंडो इंद्र सा समुद्र पानी परसियो भाई तो नीचे छाटी को पड़न है जा पैर गयो समुद्र तीन चलो करे जखंड गयो और बदी कितो गयो है कितो दिन तीसरा रहियो और इंद्र कितो परसियो 7 दिन 7 रात एकल परसियो। अब इंद्र सर्वरा देवता ने भेजा बोले जाओ वरद्र में किताब बचे। अब सर्वरा देवता आया वरद्र में पड़ी आंधी बाजे है और हाथ हाथ पास आ गया बोले बड़ छांटी बोल
इंद्र भगवान बदरे सा समुद्र पानी बसो क्यों कोटे देवता के नाला माई को देखियो नाला देखिया को साठ पटे कोनी कंदी बजे गए इंद्र है जो भगवान के इंद्र शरण में पड़ गयो के महाराज मारी गलती होगी भगवान बोले सारी कहानी गलती होगी मार तो कोई ऋषि तीसरा बेटा सती रे कोई तो कलजुग पीछे फाड़ दे कोई तेरे तो पीछे फाड़ दे भाई तेरे कलजुग बढ़ता ही हो हां मैं तो पानी पायो होगा थारो जड़ियो अभी मान गए कैडी लंका बनाई भले तो सीता जमरा चंद्र भाई दिखे जल दिखे बीच लंका दीप नहीं शोभा जैसे भान भान कहे सूर्य ने लंकार में सोनर मेल सूर्य भगवान हो गए चमक रिया जैसे भान कनक अटारी सारी नबसे करत बाद कनक वे सोने ने अटारी के मेल ने नब के आकाश ने लंकर में होने रा मकान जो आसमान बात करे छे कनक अटारी सारी नबसे करत बाद लगी है कनो तीर मंजिल है सात सात रवि की किरण पड़े जरा लंका सारी जल मला बड़ा बड़ा लंका मकाई छोड़ी है सड़क जरे सोसर के बाजार जान होने री हड़का में भी चौड़ी छोड़ी है सड़क जाने चौसर के बाजार जान खुल रही है हाट बाट देखे सभी शोभावान देखो मार्केट है वो रोड़ा ने मत लागे छोड़ी है सड़क जाने चौसर के बाजार जान खुल रही है हाट बाट देखे सभी शोभावान मिले सभी माल कोई देता है कोई लेता आन सब लोग बढ़ देखे है और सभी प्रकार माल बढ़ मिले है और कोई तो माल बढ़ देवे और कोई माल बढ़ देवे बड़े बड़े सौकार हनुमान जी का लो ये नगरी मऊकार बड़े लेन देन काम चले महाराज गिरी पे चढ़ गया पवन कुमार हनुमान जी महाराज ऐसी हकीकत देखी हनुमान जी महाराज यहाँ सुबह गिरी पहाड़ मत घूमे हो और थोड़ा आगे जाओ तो भड़ लंका में कहीं नहीं गए तो तुलसीदास जी